तो रईस हो गए हो, सोचा 50 रुपए का क्या करोगे? एक कोट खरीदूंगा, कोट, शानदार कोट खरीदूंगा। राज, तुम 50 रुपए का क्या खरीदोगे? मैं तो पलंग खरीदना चाहता हूँ बंसी। पलंग? हाँ, जमीन पे सोते सोते कमर टूट गई यार। सुनो, ऐसा क्यों ना करें, तुम और मैं दोनों मिलकर एक पलंग खरीदे। हाँ, मैंने 100 रुपए का पलंग देखा चोर बाजार में, नेवाड़ी पलंग। नेवाड़ी पलंग? हाँ, उस पर इतना मोटा गद्दा, गद्दा हाँ रेशम की तरह मुलायम, सर रखते ही नींद आ जाए। ओह, क्या ख्याल है? बंसी बोलो ना। राज, तुम 50 रुपए मुझे दे दो, हम दोनों एक सूट खरीद लेंगे 100 रुपए का। पतलून तुम पहनना, कोट मैं पहनूंगा। पतलून मैं पहनूंगा, कोट तुम पहनना। बंसी, यही तो गड़बड़ है इस प्लान में, तुम समझते क्यों नहीं? बिना पतलून के कोट बेकार है, और कोट ना हो तो पतलून बेकार। बंसी, नींद जैसी कोई चीज है इस दुनिया में? अरे आदमी सोए नहीं तो सपने कैसे देखे, और सपने ना हो तो इंसान की जिंदगी ही क्या है? बंसी, जब मैं पलंग ले आऊंगा ना, तब तुम्हें कदर होगी। सुनो, जब तुम स्टूडियो से थके मांदे आओगे ना, तो नींद की देवी तुम्हारा इंतजार करेगी, और फिर सपनों की परी अपनी बाहें इस तरह तुम्हारे गले में डाल देगी बंसी, और तुम्हारा आराम से सो जाएगा। दे दो 50 रुपए में पलंग ले आता हूँ बंसी। मर गए, मर गए, किस्मत फूट गई। अरे ये पलंग है? जी नहीं, दुगदुगी है, दुगदुगी। जान निकल गई यहां तक लाते लाते। जरा हाथ लगाओ तो। जी नहीं, जब मैंने हारमोनियम लाया था तो आपको बहुत तकलीफ हुई थी। आप कहते थे कि इतने छोटे से कमरे में हारमोनियम कहां रखोगे। अब मैं पूछता हूं कि आप ये खटिया कहां रखोगे? देखो बंसी, तमीज से बात करो, ये खटिया नहीं है, समझे? पलंग है, पलंग है। राज, अब भी मैं कहता हूं कि तुम सूट ही लाते तो अच्छा था। कोट तुम पहन लेते, पतलून मैं पहन लेता। कोट मैं पहन लेता, पतलून तुम पहन लेते। बड़े नाशुक्रे हो यार। अरे इसमें नाशुक्री की क्या बात है, हारमोनियम। सोचो तो, ये पलंग मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। मैं सुबह काम करता हूं, आधी रात को वापस आता हूं, फिर सुबह 6 बजे उठ जाता हूं। बताओ कितने घंटे सोया? 6 घंटे। तुम रात को काम करते हो, हाँ, सुबह 6 बजे आते हो और आधी रात तक सोए रहते हो। बताओ कितने घंटे सोए? हाँ? 18 घंटे। 18 घंटे तो हुआ ना ये पलंग तुम्हारा। हाँ, और इंसाफ से तुम्हें 3 गुने पैसे देने चाहिए। अगर मैं 50 दूं तो तुम 150 दो। सच पूछो तो मैं लुट गया हूं इस सौदे में। हाँ, यह राज, बात तो सच है। तो बढ़ाओ और कुछ पैसे। हाँ, दोनों यार उधार दे दो फिर। ये तुम्हारी चिट्ठी आई थी, वो मैं भूल गया, पैसे दे दो। अरे मेरे पैसे दे दो ना भाई। किसकी चिट्ठी है? रमेश की चिट्ठी अहमदाबाद से आई है, उसके बॉस की लड़की पहली दफा बंबई आ रही है। हाँ, आगे पढ़ो। लिखता है कि वो एक्सप्रेस से 6 की शाम को पहुंचेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम स्टेशन पर जाकर उसे रिसीव कर लो, वो शायद 2-3 दिन बंबई रहे, तब तक उसके पिताजी आ जाएंगे। ओ, बड़े बाप की बेटी है, बातें जरा बहकी बहकी करती है। तुम्हें तकलीफ तो होगी, मगर इतना ख्याल रखना कि वो मेरे बॉस की बेटी है, तुमने उसकी खातिर की तो वो शायद खुश होकर मुझे तरक्की दे दे और मेरी जिंदगी बन जाए। वेरी गुड। नाम रेखा है, देखने में। भाई साहब, आज क्या तारीख है? 6 तारीख। 6 तारीख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना, देखो उस लड़की को यहाँ नहीं ले आना। हाँ, मैं कह देता हूँ तुम मेरे दोस्त हो, और तुमको मैंने एक ही शर्त अपने साथ यहाँ रखा हूँ कि अपने बीच में कोई लड़की नहीं आ रहे। हाँ भाई, अपने तो एक ही चीज इस शहर में बचा के रखा है, और वो है अपना कैरेक्टर। तेरे कैरेक्टर को कुछ नहीं होता। तू भी बड़ा अजीब आदमी है, इतने बड़े बाप की लड़की इस खोली में रहेगी? मैं उसे किसी अच्छे से होटल में ठहरा दूंगा, समझे? मैं चला, बाय बाय। और सुन, ये ले पलंग बुन देना। हाँ?
मेम साहब, ओ मेम साहब, बंबई आली। बंबई? हाँ बंबई। नमस्ते जी, नमस्ते। आप रेखा है ना? रेखा, आप अहमदाबाद से आई है ना? मैंने पूरी गाड़ी तलाश की, सोचा आप आई नहीं है, शायद सो गई होंगी। हाँ हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं राजकुमार, मैं रमेश का दोस्त हूँ। अहमदाबाद से उसने खत में लिख दिया था कि आप आ रही हैं, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए ना, आपका सामान। सामान? आपका सामान नहीं है क्या? शायद पीछे से आ रहा होगा, तो आइए 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 ना। आपका टिकट जी, आपका टिकट। टिकट टिकट नहीं है, 24 रुपए 90 पैसे जी। 24 रुपए 90 पैसे 24 रुपए? आपके पास टिकट नहीं है क्या? 24 रुपए पैसे हैं आपके पास? पैसे भी नहीं है आपके पास? इनके पास आप ही भर दीजिए ना। लेकिन देखिए ना अजी, आप दे दीजिए। आप चलिए। नाम रेखा, आई है अहमदाबाद से और जाएंगी भी अहमदाबाद। आने की तारीख 6 और जाने की तारीख। जाने की तारीख अभी मालूम नहीं, जाने की तारीख। और रहेंगी कुछ दिन तो रहेंगी आप? जी हाँ, कुछ दिन तो रहेंगी जी, कुछ दिन रहेंगे। हाँ, आने की वजह बंबई शहर की सैर। जी हाँ, तो ये लीजिए, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। यहाँ दस्तखत कीजिए। रेखा ये बहुत अच्छा होटल है, आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। आप इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिए और मैं फिर कभी आ जाऊंगा। हाँ नमस्ते जी। बॉय रूम नंबर 39। कितने हुए जी? 3 रुपए। 3 रुपए लीजिए सर। थैंक यू। रेखा तुम 3 रुपए? प्लीज सर। आप भी अजीब लड़की हैं। मैं पूछता हूँ, आप होटल छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? मैं होटल में नहीं रह सकती, वहाँ लोग मुझे घूरते हैं और मुझे डर लगता है पराए लोगों से। तो फिर आप रहेंगी कहाँ? जहाँ आप रहते हैं जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। हाँ, मैं खुद किसी का मेहमान हूँ, आप वहाँ कैसे रह सकती? और फिर यहाँ लोग। देखिए ये लीजिए 3 रुपए और जैसे आइए वापस चले जाइए। लीजिए लीजिए। नहीं चाहिए। तो फिर जो मर्जी है सो कीजिए, मैं जाता हूँ।
रात भर यहाँ सत्याग्रह करने का इरादा है क्या? होटल में जा नहीं सकती, जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप मुझे ले जाना नहीं चाहते। सोचा जाए तो रात सड़क पे बिताई जा सकती है, आप जाके आराम कीजिए ना। आराम करना ही तो मुश्किल है, और फिर आपको यहाँ नीचे छोड़ के मैं ऊपर जा भी कैसे सकता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। पहले तो चले गए थे, इसीलिए तो आया हूँ नीचे। आइए आइए ऊपर चल के देखिए मैं जहाँ रहता हूँ किस हाल में रहता हूँ कैसे रहता हूँ, वहाँ आपका रहना बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है। आइए सुनिए, पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में आप आइए। आप ही देख लीजिए कैसा है ये कमरा। बहुत अच्छा है। सुना है कालकोठरी भी इससे बड़ी होती है, आप नहीं जानते बहुत मुश्किल से हम तो आदमी यहाँ रह पाते हैं। जहाँ दो रहते हैं वहाँ तीन भी रह सकते हैं। लेकिन देखिए आपको तो महलों में रहने की आदत है, यहाँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। कैसे फिक्र नहीं करूँ, अपनी हालत देखिए आप कितनी नाजुक है, यहाँ तो हवा ना अंदर आती है ना अंदर से बाहर जाती है, ढेर सारे मच्छर पनपते हैं, अगर आप बीमार होगी तो। कोई बात नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। देखिए ना रेखा जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये कमरा भी मेरा नहीं, मैं यहाँ खुद किसी की मेहरबानी से रहता हूँ, और वो हमेशा यही कहता है कि देखो राजकुमार हम दोनों के बीच में कोई लड़की नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। आप भी मेरी बात मान लीजिए और किसी होटल में जाके रहिए। मुझे अगर किसी होटल में रहना होता तो मैं यहाँ क्यों आती। मगर आप समझती क्यों नहीं, अगर बंसी आ गए तो आपके साथ मुझे ही बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो और भी अच्छा है, हम दोनों निकल जाएंगे। अजीब लड़की हैं आप, अपने साथ मुझे ही मुश्किल में डाल रही। देखिए बंसी सुबह आ जाएगा, और बंसी सुबह आएगा ना, ठीक है एक तरीका है, दो दिन की ही तो बात है, उसके बाद आपके पिताजी आ जाएंगे, तब तक किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बंसी को मालूम नहीं होना चाहिए, वो यही समझे कि हम दोनों यहाँ रहते हैं, मेरा मतलब बंसी और मैं यहाँ रहते हैं। हाँ वो सुबह आएगा ना तो उससे पहले हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। आइए आइए आप यहाँ सोइए, मैं बाहर सोता हूँ। ठीक है, मैं अंदर पलंग पर और आप बाहर चटाई पर। और क्या हो सकता है, आप बाहर चटाई पर और मैं यहाँ पलंग पर, या हम दोनों इसी कमरे में। जी नहीं, मैं बाहर जाता हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिए। माफ करना मैं भूल गया था। बंसी मर गया। क्या है? बंसी आ रहा है, अब उसे मालूम हो गया तुम यहाँ तो गजब हो जाएगा। सुनो सुनो ख्याल रखना। हाँ अच्छा अच्छा। बंसी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो शूटिंग कैसी रही? जैसे रोज होती है यार। नहीं मेरा मतलब है कि वो सीन कैसा था? सीन कैसे था ये कमाल की बात है, डायरेक्टर को पता नहीं कि सीन क्या है और स्टोरी राइटर को पता नहीं है कि स्टोरी क्या है। हीरोइन साहब तशरीफ नहीं लाई, हीरो साहब नाराज हो गए, बस प्रोड्यूसर साहब ने सारा गुस्सा हम पर उतारा। रात भर हम सबको हंसाते रहे और सुबह हमारे सर में दर्द हो गया। अब मैंने सोचा क्या करूं, चलो घर पहुंचते ही जरा स्नान कर लूं और फिर उसके बाद रियाज। सुनो बंसी, देखो तुम रात भर के थके मांदे आए हो, भूख भी लगी होगी, स्नान और रियाज बाद में करना, पहले नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। देखो तुम्हारी सेहत का कितना ख्याल है मुझे। राजी गुड आइडिया, अंडे वंडे खाओ ना। हाँ हाँ मंगाता हूँ। ए ममाद, ए होटल वाला, एक उबला हुआ अंडा और एक टोस्ट लेके जल्दी से।
बंसी बंसी तुम अखबार नहीं लाया आज? अखबार भूल गया यार, अभी ले आता। सुनिए क्या है? मैंने अपनी साड़ी धो डाली है। साड़ी धो दी? अब आप पहनेगा क्या? कुछ भी दे दीजिए ना। कुछ भी दे दो। हॉल्ड, पतलून में पैसा है, अभी देता है। राज, मेरी पतलून यहाँ थी ना? पतलून? हाँ हाँ, मैं अभी अभी यहाँ उतार के मेरी पतलून रखा। किधर? भूल कर रहे हो बंसी, स्टूडियो से तो तुम इसी तरह आए थे। मेरा ख्याल है किसी सीन में तुमने ये चद्दर बांधी होगी और पतलून स्टूडियो में छोड़ा है। हाँ, सुनो, उसे पैसे देने हैं ना, मैं दिए देता हूँ। तुम्हारे पैसे और मेरे पैसे अलग पैसे थोड़ी है। हाँ। क्यों भाई, कितने हुए तुम्हारे? 10 पैसे। ये लो। अरे तुम यहाँ बैठे, बाहर चलो ना, ना दम घुटता है। यहाँ राजी, सुनो ना, नहीं राजी सर। ओहो, देख तो सही कितनी ठंडी हवा चलती है यहाँ पर। नहीं, बैक, मुझे बैक, तो वो पलंग पर बैठ के बैठना है। यहाँ पर बैठ बैठ कमाल है यार, 150 रुपया दिया पलंग के ऊपर। पर क्या ताजी खबरें आज? खबरें यार, सिनेमा की खबरें पड़े। हाँ हाँ, कुछ भी फर्क पड़ सी फर्स्ट क्लास। छाया एवीएम की स्वास्तिक में लगी। ग्लोब में क्या लगा? ग्लोब में सलाम मेम साहब। सलाम मेम साहब, लेकिन यार वो सिनेमा अच्छा नहीं, वहाँ खटमल काटता है वो। यार एक दिन मैं वो ग्लोब सिनेमा में गया था खाना खा के, शो खलास हो गया तो खटमल लोग ऐसा काटा मेरे को, इतना काटा शो के अंदर कि मेरा ये नहीं है। तुम्हारा नाश्ता आ गया। ए चाल की तरह अभी लाया, जल्दी ला, अभी लाया का बचा। ये बाहर वालों का भी अजीब हिसाब है यार, क्या बोलो तो क्या लेके आते, क्या बोलो तो क्या लेके आते। भगवान आपको नेकी दे के एक घराना चल रही है और ऑयल होते रहा उसके अंदर। ये घराना है ना, क्या पिक्चर है, भूख लगी है, बहुत अच्छी पिक्चर है, भूख लगी। इसके अंदर राजेंद्र कुमार काम करता है, राजकुमार काम करता है, करती है वो आगा, नहीं आगा अच्छा नहीं, वो दूसरा कौन एक है ना, वो आशा पारेख। चलो एक्सीडेंट की पड़े यार, फिल्म की छोड़ो। ट्राम और दो ट्राम के बीच में एक बस फंस। अरे कमाल राज, दो ट्राम के बीच में एक बस फंस गई। अच्छा? हाँ, और बड़ी मुश्किल से वो ट्राम के ऊपर जैक, ट्राम के नीचे जैक लगाकर वो बस को निकाल दिया। जैक के जरिए से उन लोगों ने ट्राम को पट्टे से अलग निकाल दिया। कमाल, और एक ट्राम पंचर हो गई, मेरा मतलब है कि एक बस पंचर हो गई। कमाल है, कैसे फंस जाते यार। राज रेस की खबर पड़े। हाँ हाँ, रेस की पूना रेसेस, पांचवी रेस के अंदर पांचवी, इसमें अंडा था ना यार, तुम्हारे पेट में। मेरे पेट में? हाँ। मेरे पेट में कैसा जाएगा? अरे आदमी मुंह से एक ही काम कर सकता है, या तो अंडा खा सके या तो अखबार पढ़ सके। तुमने दोनों ही काम किए हैं। हाँ? अंडा भी खाया, अखबार भी पढ़ा। मेरे हो सकता है। ₹6,661 मेरे मुंह में पानी आ गया। 6,000 रुपए बहुत बड़ी रकम। राज इसमें टोस्ट था ना यार, कहाँ गया? टोस्ट भी वहीं गया है जहाँ अंडा गया है। ये कैसे हो सकता है यार? क्या हो गया तुम्हें बंसी? पतलून स्टूडियो में भूला, घर में आके ढूंढने लगे, अंडा खा गए तो कहने लगे अंडा कहाँ गया, और अब टोस्ट के बारे में झगड़ा उठा लिया। क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं यार, शायद मैं खा लिया आऊंगा। पढ़ 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 आगे क्या हुआ? और मैं चाय पी लूं यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी जल्दी किसने कहा था पीने के? क्या करें यार, फिर बाद में तू कहेगा कि चाय भी तू पी लिया है। अब तो यकीन है कि तूने पी है चाय। हाँ, चल पड़ा गया। मजा आ गया, अब मैं जरा नहा धोकर आराम से सो जाऊं। हैं? हाँ। बंसी क्या? बंसी बंसी मैं तो नहा जाऊं। अरे बंसी सुन तो। कशा प्रेमाता फूल बाग फूल ला, कशा प्रेमाता फूल बाग फूल ला।
जल्दी से चलिए यहाँ से। अब इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं कि दिन भर हम कहीं घूम रहे और शाम को तभी वापस आए जब बंसी यहाँ ना हो। मतलब है कि ये इस तरह तो कैसे? ये तौलिया, ये पतलून कोई देखेगा तो क्या समझेगा? मगर साड़ी तो गीली है। साड़ी गीली है? कहाँ है? ये साड़ी पहन लीजिए। किसकी साड़ी? किसी की भी हो, आपको क्या, जल्दी से पहन लीजिए। पहनो कैसे? जैसे लोग पहनते हैं। ओ ओ, जल्दी कीजिए कहीं बंसी बाहर ना आ जाए। अरे अजी सुनते हो? शोर क्यों मचा रही हो? क्या है अजी? मेरी साड़ी कोई ले गया है। तो ये क्या है? मेरी साड़ी तो काली थी, ये लाल है। अच्छी कौन सी थी? ये अच्छी है। तो फायदे में हो ना। मगर गिल्ली है ना। तो क्या हुआ, सूख गई तो पहन लेना। अच्छी बात है। देखा राजकुमार बाबू, दुनिया में कैसे कैसे चोर हैं, दिन दिहाड़े कोई साड़ी उठाकर ले गया। सुनिए मैं तैयार हूँ। देखा ना, अब आप अच्छी लगती हैं। जी मेरा मतलब चले, लेकिन सुनिए जैसे आए थे वैसे जाना होगा। किसी को ये ना मालूम हो कि हम दोनों एक साथ हैं। पहले मैं जाता हूँ, बाद में आप आइए। ये है अपोलो बंदर, गेटवे ऑफ इंडिया। वो नजर आता है वो छत्रपति शिवाजी का स्टैच्यू है। खाना। किन के लिए? जो दफ्तरों में काम करते उनके लिए। तो वो खाकर क्यों नहीं आते या जाकर क्यों नहीं खाते? काम से फुर्सत नहीं मिलती ना। काम क्यों करते हैं? काम खाने के लिए। अजीब है ये बंबई वाले, काम करते हैं खाने के लिए और खाने के लिए फुर्सत नहीं। तो मैं क्या करूं, सुबह कहा नहीं था कि उसको उठा ले? मगर गिल्ली थी ना वो। अरे उसको क्यों होती है, इसको उठा ले, नहीं तो ये भी गायब हो जाएगा। देखा राजकुमार कैसा जमाना आ गया है, जहां देखो हेर फेर।
को चले नहीं जाना, अखियां मिला के पिया भरमा के चले नहीं जाना। कैसे हो बंसी? अच्छा राज, अच्छे हो। क्या बात है बंसी, आज तुम फिर जल्दी आ गए। कौन मैं? हाँ, वो हमारी शूटिंग कैंसिल हो गई आज। कैंसिल हो गई? हाँ, वो हमारी हीरोइन है ना, विलन के साथ घूमने चले गई। विलन के साथ? विलन के साथ। डायरेक्टर साहब रोना शुरू कर दिया, रैंप ने उनके आंसू पहुंचे, प्रोड्यूसर साहब ने एक सैड गाना शुरू कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारी शूटिंग कैंसिल हो गई। चलो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पलंग अंदर और तुम बाहर? अरे बात दरअसल ये क्या, अंदर बहुत गर्मी थी बंसी, मैंने सोचा बाहर ठंडी हवा चल रही, यहीं क्यों ना सो जाऊं। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें अंदर गर्मी लगती है, मुझे बाहर सर्दी लगती है। तुम बाहर सो, मैं अंदर सो। नहीं नहीं बंसी, मैं कह रहा था कि तुम भी बाहर क्यों नहीं सोते, देखो ना ठंडी ठंडी हवा चल रही, मैं तुम्हारा बिस्तर यही लगा देता हूँ। बंसी अंदर गर्मी में कबाब हो जाओ। ना बाबा ना, मुझे कबाब होना मंजूर है लेकिन बाहर सर्दी में कुल्फी बनना मंजूर नहीं, क्या समझे? बंसी तुम भी तो कुछ समझो, कुछ सोचो। अरे भाई तुम कुछ सोचो। अरे उस पलंग में हमारा भी हिस्सा है, हमने भी पैसा लगाया है तो हमको भी इस्तेमाल करना तो चाहिए। लेकिन बंसी देखो ना दरवाजा बंद है, दरवाजा तो बंद। अरे मैं आ रहा था ना, तो उसकी चिटकनी चिटकनी हुई लग गई, खुलता नहीं खुलता नहीं। देखो देखो, उसके घबराने की क्या बात है यार, ऐसी जब दरवाजे बंद हो जाते ना तो हमारे स्टूडियो में यू मार के खोल देते। बाहर सो, ठंडी में कुल्फी बनाना चाहता है। अरे पलंग के पैसे हमने भी दिए हैं। अरे बाबू राज, राज मैं भलते कमरे में घुस गया, ये भलते माले में आ गया। राज ये भलते माले में आ गया हूं मैं। नहीं तो ये तो अपना ही माला है और अपना ही कमरा, क्यों क्या बात है? हाँ अपना ही माला है और अपना ही कमरा है। हाँ क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। मुझे क्या मालूम, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना से पहले क्या कर रहे थे? प्रार्थना से पहले भी प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना 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 से पहले क्या कर रहे थे? प्रार्थना 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 से पहले भी प्रार्थना कर रहा था। राज आजकल तुम बहुत प्रार्थना कर रहे हो, जरा अंदर आना तो मैं तुम्हारे प्रार्थना की परिचय करा दूं। ये कौन है? ये बंसी, याद है तुम्हें एक चिट्ठी आई थी? हाँ? ये वही लड़की है, होटल में बेचारी पराए मर्दों के साथ रहने से किस लिए यहाँ चली आई। राज मैंने तुमसे क्या कहा था, जब तुमको मैंने अपने साथ इस कमरे में रखा था तो क्या शर्त की थी? यही कि हम दोनों के बीच में कोई लड़की नहीं आएगी। तो फिर ये क्या है? ये लड़की है बंसी लेकिन हम दोनों के बीच में नहीं है। कुछ भी हो तुमको तो पता है कि इस बंबई शहर के अंदर हमने एक ही चीज संभाल के रखी है और वो भी तुम्हारा कैरेक्टर। यही ना मैंने कहा था इसे, लेकिन ये बेचारी रोने लगी और तुम तो जानते हो मेरा दिल कितना नरम है। मेरा भी तो यही रोना है कि तुम इतने नरम दिल के साथ इस सख्त दुनिया में कैसा मुकाबला करोगे। सुन लिया आपने क्या कहा था मैंने, अगर आपकी मुसीबत है तो हमारी भी मजबूरियां, जाइए जहां आपको जाना, हमने सारी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा। भगवान के लिए सोचिए, अंधेरी रात में मैं इस वक्त कहां जाऊंगी? जन्नम में मैं सोऊंगी कहां? फुटपाथ पे मैं ठनियाकर जाऊंगी। तो बंसी की बना से, बंसी ने एक ही चीज तो बंबई शहर में संभाल के रखी है, वो है अपना कैरेक्टर, समझी? अब चले जाओ यहां से। ओ मिस्टर, ये कमरा किसका है? तुम्हारा। किराया कौन देता है? तुम। तब फिर तुम कौन होते हो उसको घर से बाहर निकालने वाले? आधी रात को इस ठंडी में कोई लड़की को घर से बाहर निकालता है? अरे अगर उसको कुछ हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, तेरा दोस्त क्या कहेगा, सबसे बड़ी बात है कि तेरा दिल क्या कहेगा। आपका नाम क्या है जी? रेखा। रेखा, कोई बात नहीं, आप यहाँ आराम से सो जाइए, हम दोनों बाहर ठंडी में सो जाएंगे, हम लोगों को आदत है। चलो। और सुनिए दरवाजा बंद कर लेना। नमस्ते। राज कितना प्यारा चांद है, ये चांद है, चांद इधर है, इधर नहीं। सो जाओ, आओ सो जाओ। ठंडी लगती है, ठंडी।
शाम को गायब हो गई थी। देखो ये लड़की कौन है? कोई नई मालूम होती है, ना जाने किसके यहाँ आई है। अरे ये भी मालूम हो जाएगा, बर्तन खरीद कर किसके घर जाती है देख लेंगे। ये तो बंसी के यहाँ गई है। बंसी और राज दो कुंवारों के बीच में एक जवान लड़की। राम 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 राम, कैसा जमाना आ गया है। चल चल भाग्यवान तू तो अंदर चल। अब बंसी बाबू बर्तन वाला है, कुछ बर्तन वर्तन ले लो। अरे शंकर हमको बर्तन की क्या जरूरत है यार, हम होटल में खाना खाते हैं और अस्पताल में मरते हैं। राजकुमार बाबू अस्पताल और होटल के बीच में आता है घर। हाँ। अब घर वाली का इंतजाम किया है तो लगे हाथ घर भी बसा लो। शंकर बाबू जरा संभाल के बात कीजिए, वो लड़की मेरे दोस्त के सेठ की लड़की है, दो तीन रोज के लिए आइए फिर चली जाएगी। अरे भाई मैंने क्या क्या दिया, तुम तो खामखा हो रहे हो। ये तो बहुत ही बड़ा नजदीकी रिश्ता है, मेरे दोस्त के सेठ की लड़की। ये तो संख्या है यार ये शंकर। चल राज दिल को मत ले, आ जा। राज राजी यार बहुत दिन के बाद मैंने रियाज नहीं किया, जी चाहता है कि आज मैं रियाज करूं। हाँ अरे ऐसा जुल्म मत करना बंसी। क्यों? मेरा मतलब है कि तुम रियाज करोगे तो संगत कौन देगा? तुम तबला बजाओगे मेरे साथ? नहीं नहीं मेरी तो उंगलियां दुखती है। अरे क्या उंगलियां दुखती है बंसी? देखो पिछली दफा जब तुम रियाज करने लगे थे ना तो पड़ोसन की बच्ची रोने लगी थी। तो क्या हुआ, आजाद मुल्क है, उस बच्ची को रोने का हक है और मुझे गाने का हक है। नानी ना आंगन में मत सो मोर सजनी, अरे मैं न कहूंगा तो कौन कहेगा, आंगन में मत सो मोर सजनी, आंगन में आंगन में मत सांवरी सजनी, मैं न कहूंगा तो कौन कहेगा, आंगन में मत सांवरी। वो बच्ची फिर से रोने लगी। बंसी बंसी वो बच्ची रो रही है। बंसी 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 बच्ची की माँ आ रही है। आंगन में मेरी मुनिया रो रही है। अरे तुम्हारी मुनिया मेरे गाने से नहीं रो रही है, तुम्हारी मुनिया को भूख लगी है, उसको जाके दूध पिलाओ। बंद कर दो जी। आंगन में जरा खोल दो आवाज है तो मैं न कहूंगा तो कौन कहेगा, मैं न कहूंगा। कोई खुशबू आ रही है खाने की। राज वो बाहर वाला तो नहीं बना रहा होटल में भजिया? नहीं बंसी हाँ, ये तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई गरम गरम कचौरी तल रहा हो, है ना? मुझे तो भूख की भी याद आ गई है राज। हाँ। कचौरियां तो अपने ही घर में तली जा रही है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। गरम गरम कड़ाया भी है। अरे ये बर्तन नए नए बर्तन ये कहां से पड़ोसी से मांग के लाए हो? मांगे नहीं खरीदे हैं। खरीदे लेकिन पैसे? पैसे की क्या जरूरत है, बंबई इतना अच्छा शहर है, पुराने कपड़े दे दिए और नए बर्तन दे लिए। मेरे कपड़े दो ही तो जोड़े हैं तुम्हारे, एक वो लटका पड़ा था, एक मैं कल जाके लॉन्ड्री में देकर आया था। चीखते हो खामखा अपने कपड़े बाजी कर आए, पर मेरे कपड़े मैं तो लॉन्ड्री में नहीं देकर आया था अपना जोड़ा। ये सच है मेरे पुराने कपड़े और ये नए बर्तन? अच्छा किया ना? हाँ बहुत अच्छा किया। बोलो बंसी। मुंसा आज अपने कपड़े बेचे कल आप उन्हें बेच देंगे, कभी ये भी सोचा है क्या अब हम धोएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या? मैं गरीब आदमी हूं, महीनों की सोच के बाद एक पतलून बनवाई थी, हफ्ता पेट काट कर दो कमीजें बनवाई थी, आप कैसे समझाओ कि बर्तनों की चमक से पेट की भूख नहीं मिटती, समझिए आप? अरे ये छोकरे को रुला दिया राज, चुप कर बंसी। वो तो लड़की उसे कुछ कह नहीं सकता, तुम्हें अच्छा बाबा अच्छा मुझे कुछ मत बोल।
ये रोना धोना बंद कीजिए आप, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भगवान के लिए चुप कर जाइए। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा रेखा? मैंने यहाँ आके आपको बहुत दुख दिया है। आप मुझसे बहुत नाराज है ना? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं रेखा। सच तो यह है कि मर्द जिंदगी की दौड़ में इतनी बार मुंह के बल गिरता है और गिरते गिरते इतना सख्त हो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि औरत का दिल मौन होता है, जरा सी आंच लगने पर पिघल जाता है, जैसे तुम पिघल गए। I'm sorry. हंस दो, हंस दो ना। अरे वेरी गुड, हंस ना। राज आज तेरा रेडियो में प्रोग्राम है यार, ठीक है जल्दी जल्दी। ओ, मैं तो भूल ही गया था, आज रेडियो पर मेरा गाना है। खरीदा है। खरीदा? लेकिन पैसे? पैसे की क्या जरूरत है, बंबई इतना बढ़िया शहर है, पुरानी चीजें दे दी और उसके बदले में। कौन सी चीजें? तुम्हारी नहीं, बंसी की दी है मैंने। बंसी की? हाँ। क्या? वो फर्नीचर हारमोनियम और तबले बेचती है। हारमोनियम और तबला? अच्छा किया ना, अब मैं तुम्हारा गाना सुन सकूंगी। बात मेरे गाने की नहीं रेखा, सवाल तो बंसी के रियाज का है। वो आएगा बेगाने शादी से अब्दुल्ला दीवाना, बेगाने शादी। शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या जवाब देंगे उसे? अरे हाँ यार, आज शूटिंग कैंसिल हो गई और यारों ने भी शुक्र मनाया। मैंने सोचा कि मैं भी जाके जरा रियाज कर लूँ। रियाज? लेकिन बंसी, पड़ोस की लड़की जो चिल्ला उठती है उसका क्या होगा? यार वो भी लाइन क्लियर है, कि माँ भी नहीं है ना, लड़की भी नहीं है, मकान पे ताला लगा हुआ है। मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है रियाज करने का। कहते हैं खाली पेट नहीं गाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत खराब है, और फिर पेट में दौड़ते हुए चूहे भी अगर साथ में गाने लगे तो गाना कोरस बन जाता है। पहले तुम कुछ खा पी लो। रेखा, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खुशखबरी देता हूँ, आज मैं खाना खा कर आया हूँ और मेरे पेट में जितने चूहे हैं ना सब आराम से सो रहे हैं और संगीत मेरे जबान पे आने के लिए तड़प रहा है। जरा बाजू हटना तो। रेडियो? अरे रेडियो कहाँ से है? आ गया, आ गया। इसके पैसे कहाँ जाए? पैसे की क्या जरूरत? बंबई शहर कितना बढ़िया शहर है, यहाँ पुरानी चीजें दे दो उसके बदले में। मैं कहता हूँ मजाक मत करो, मेरा हारमोनियम तबला कहाँ गया? वहीं पर जा मेरी पतलून गई थी, मेरी कमीज गई थी। लेकिन बंसी बंसी देखो तो कितना शानदार वीडियो है। अरे अरे तुम लोग अजीब आदमी है, अरे मुझसे पूछना तो था नीलाम करने से पहले। मेरी चीजें जब नीलाम की गई थी मुझसे पूछा गया था, और जब मैं बिगड़ा था तो मुझे कह रहे थे बिगड़ते क्यों? मैं पूछता हूँ बंसी तुम क्यों बिगड़ते हो? रेडियो सुनो, अब ये पहन बाढ़ में गया तुम्हारा रेडियो, अब मैं संगीतकार कैसे बनूंगा? बंसी संगीतकार तबले और हारमोनियम के मोहताज नहीं होते, तानसेन ने तो कभी हारमोनियम देखा ही नहीं था। अगर यही बात होती तो जितने हारमोनियम बनाने वाले हैं ना सबसे बढ़िया संगीतकार होते। बंसी संगीतकार तो वो है कि जिस चीज को छूले वही सांस बन जाए। हाँ ऐसा? हाँ मैं बताऊं? हाँ बताओ। ये तो कमाल की बात की है।
कहते हैं, मुझे कहते हैं कल्लू कवाल, कल्लू कवाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। मैं हूँ तुमरी तो तू है ख्याल, तू है ख्याल, तेरा मेरा साथ रहेगा। मुझे कहते हैं कल्लू कवाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। राजा मैं गीतों का तू सुर की रानी, तू सुर की रानी। राजा मैं गीतों का तू सुर की रानी, तू सुर की रानी। गाके सुनाए हम अपनी कहानी तू मेरे गीतों की है जिंदगानी, तू मेरे गीतों की है जिंदगानी। तेरे गीतों में है वो कमाल, वो कल्लू कमाल, तेरा मेरा साथ रहेगा। मुझे कहते हैं कल्लू कवाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। संगम जहाँ है, संगम जहाँ है, फिर अपनी मंजिल यही आशिया है, फिर अपनी मंजिल यही आशिया है। मेरी आँखों में आँखें तो डाल, तेरा मेरा साथ रहेगा। मैं हूँ तुम्हारी तो तू है ख्याल, तू है ख्याल, मेरा साथ रहेगा। सूरत से पहचाने मुझको जमाना, मुझको जमाना, सूरत से पहचाने मुझको जमाना, मुझको जमाना। आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना, अनाड़ी दीवाना। कैसा हूँ दिल का किसी ने न जाना, कैसा हूँ दिल का किसी ने न जाना। नहीं दुनिया में तेरे मिसाल, ओ कल्लू कवाल, तेरा मेरा साथ रहेगा। वो मुझे कहते हैं कल्लू कवाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। मैं हूँ तुम्हारी तो तू है ख्याल, तू है ख्याल, तेरा मेरा साथ रहेगा। जिसके लिए लाया वो भी बहुत सुंदर है। कौन? मान लो तुम। मैं? इसे पहन के दिखा ना। हाँ, तुम्हारे एक खत आया है, रेडियो पे रखा है।
प्रिय दोस्त, बहुत काम था इसलिए कई दिनों तक चिट्ठी नहीं लिख सका। तुम्हें तकलीफ तो हुई होगी, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे बॉस की लड़की मिस रेखा कुछ वजूहत के कारण बंबई में। तो फिलहाल उसने आने का इरादा भी मुलतवी कर दिया। अच्छा बताओ कैसे? कौन हो तुम? रेखा। तुम रेखा नहीं तो कौन? यही तो मैं तुमसे पूछता हूं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये जाल तुमने क्यों बिछा रखा? जानती हो इस खत में क्या लिखा? रेखा अहमदाबाद से चली नहीं। मैं पूछता हूँ तुमने आज तक मुझे धोखे में क्यों रखा? ये फरेब क्यों किया मुझे? झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई फरेब नहीं किया। तुमने जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया। और आज भी तुम्हारा वही जवाब है, है ना? लेकिन मैं फिर वही फरेब, फिर वही झूठ। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? बंसी की बातें सुनी, मोहल्ले वालों से झगड़ा मोल लिया और तुम लोग मुझे से झूठ बोल रही हो। मैंने झूठ नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं? अब और कहने को रहा ही क्या है? सूरत भोली हुई तो क्या, दिल तो काला है। मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारे सामने हूं, मुझे अपना लो तुम्हारी मर्जी, ठुकरा दो मेरी किस्मत। अब अपनाना क्या और ठुकराना क्या? पहले मालूम होता तो इस तरह दिन दिहाड़े तो ना लुट जाता। तुमने अब भी नहीं मालूम कि कौन लुट रहा है और कौन लूट रहा है। ना, मैं जानना चाहता हूं। आप यहां से चले जाइए, चले जाइए यहां से। रेखा, अरे तुम यहां बैठी हो, क्या बात है? कुछ नहीं, रात से झगड़ा हुआ तो जरूर कोई चीज तुमने बेच डाली होगी। नहीं। तो फिर समझ गया, ये राज इसका भेजा आजकल बहुत गर्म हो गया है, कभी तुमसे झगड़ा करता है, कभी मुझसे झगड़ा करता है। जरा आओ तो देखे तो। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। हा? क्या कहा? मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं अकेली जाऊं तो कहां जाऊं? फिर वही बात, फिर वही बात। अरे मैं तुमसे अब पूछता हूँ कि वो तुमको घर से निकालने वाला कौन होता है? जरा आओ तो। खड़ा, मैं देखता हूँ ये तुम्हें कैसे घर से निकालता है। बंसी, आंखें मत निकालो, जब देखो तब झगड़ा। तुम कौन होते उसको घर से बाहर निकालने वाले? राज, जरा मेरे साथ बाहर आओ। तो गड़बड़ हो गई यार, ये कौन है? कौन जाने कौन है, कहां से आई है, कितनी बार पूछा बताती तक नहीं। सोचा दिल पे पत्थर रख के इसे घर से निकाल दूं, मगर तुम मुझे फिर वापस ले आए। मुझे क्या मालूम था यार, ये सीढ़ी में बैठी रो रही थी, मैंने सोचा मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। मोहल्ले वालों को तो कहा था कि दो रोज के बाद चली जाएगी, अब पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे उन्हें? आइडिया है यार, बंबई से काफी गाड़ियां बाहरगाम जाती हैं, इन्हें दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता वगैरह, तुम इसको साथ ले जाओ और किसी ट्रेन में बैठ जाओ और अगली स्टेशन पे उतर जाना, जान छूट जाएगी। इन्हें कैसा आइडिया? हाँ, गुड आइडिया। कितना बड़ा, कितना अजीब है ये बॉम्बे शहर। तुम न हो तो मैं खो जाऊं। आज तुमने इतनी सैर करा दी कि मुझे नींद आने लगी है। सो जाओ ना।
इतना हमने तुझको प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना कौन करेगा इतना तुझको प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना कौन करेगा इतना तुझको प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना कौन करेगा इतना ए मौला बुला लो मदीने मुझे मेरे आका बुला लो अरे मार डाला इस बच्चे बड़ा गाना गाते आ रहे हो बंसी बाबू शंकर राव ये लट उठा के आ रहे हो ये लट चल भी सकती है बंसी बाबू शराफत इसी में है कि जिसे घर में बसाए उसे निकाल दो किसकी बात कर रहे हो अरे उसी की जिसका हर जगह चर्चा हो रहा है राजकुमार ने कहा था कि दो रोज में उसका बाप आ जाएगा उसको ले जाएगा आज कई रोज हो गए हैं मालूम नहीं कि उसका बाप है भी कि नहीं शंकर राव खाम खा खफा अरे वो तो चली भी गई चली गई वो कौन है जो ऊपर बैठी हुई है ऊपर बैठी हुई है क्या बात कर रहे हो जरा आओ तो चलो शंकर राज जरा जरा तो छोड़ा है उसे गाड़ी में मैं क्या करूं वापस आ गई कैसे वापस आई तुम्हारा प्लान ही गलत था मेरा क्या प्लान हाँ सुनो एक और तरकीब है कल संडे है ना जू पे हजारों की तादाद में लोग सैर करने के लिए आते हैं वहां पर हाँ। मैं इसे कल वहां सैर कराने के लिए ले जाऊंगा उस भीड़ में उसे छोड़ दूंगा उसे तो बंबई के रास्ते नहीं मालूम खो जाएगी गुड आइडिया गुड आइडिया देने तो कितने पैसे अरे अरे फिर मारा मारी अब तो मैं तेरी शादी करके ही रहूंगा अब तो मैं तुझे क्या तू नहीं कहेगा अरे कैसे नहीं करेगा बोल अबे नालायक
तेरी ये मजाल, तू लव मैरिज करेगा, तुझे भी जुहू की हवा लग गई है क्या? जब तेरी जोरू तेरे घर आएगी ना, वही तेरे कान खींच के तुझको सीधा करेगी। बोल, शादी करेगा ना? करनी ही पड़ेगी। क्या दुल्हन है, क्या बात है, क्या चाल है। बोल, करेगा? कि मुझे नींद आने लगी है। की तरह जो हवा से बनता है और हवा ही में खो जाता है। आज तो मुझे साफ साफ लगा कि तुम मुझसे जान छुड़ा के भाग गए। भाग ही गया था रेखा, तुमसे बहुत दूर भाग गया था। ये तो बाद में मालूम हुआ, मैं तुमसे नहीं अपने आप से भाग रहा हूं। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? सच कहती हूँ, तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह सकता हूँ? ये क्या? अरे नहीं, देखो 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 देखो, बात यहां तक पहुंच गई है। छोड़, माफ करना बड़े मियाँ, देखा नहीं मेरा क्या कसूर है। वो है ना, वो देखिए। समझ गया समझ गया, आज जुमे का रोज है, इंशाल्लाह जोड़ी सलामत रहे। जी, जुमे का दिन? हाँ। यानी कि मैं और वो? शुक्रिया बड़े मियाँ, सुना तुमने, जुमा जुमा। जुमे की रात हो या दिन जुमे रात का, जुमे की रात हो या दिन जुमे रात का, करके जाना गोरी वादा मुलाकात का। पीर की रात और दिन इतवार का, किया है वादा मैंने पिया तुझसे प्यार का। जुमे की रात हो या दिन जुमे रात का, करके जाना गोरी वादा मुलाकात का। पीर की रात और दिन इतवार का, किया है वादा मैंने पिया तुझसे प्यार का। Thank you.
तेरा छुप छुप के मिलना, दुनिया की नजरों से बच बच के चलना। याद है गोरी तेरा छुप छुप के मिलना, दुनिया की नजरों से बच बच के चलना। ये ना पूछो पिया बीती कैसे रतिया, कर गई जादू तेरी नीली नीली अखिया, नीली नीली अखिया। मीठा मीठा दर्द है नजरों के वार का, किया है वादा मैंने पिया तुझसे प्यार का। जुम्मे की रात हो या दिन जुम्मे रात का, करके जाना गोरी वादा मुलाकात का। तो क्या है करूं सदके ईमान भी, यूं ना अकड़ गोरी कहना मेरा मान भी। जान तो क्या है करूं सदके ईमान भी, यूं ना अकड़ गोरी कहना मेरा मान भी। जाओ जी जाओ हमें आके करो गोर ना, झूठे पटाके कहीं और जाके छोड़ना, और जाके छोड़ना। समझो ना सवाल इसे दिल है दिल की रात हो या दिन जुमे रात का, करके जाना गोरी वादा मुलाकात का। निकलो ना गलियों में बंठन के गोरी, ऐसी ही बातों से खुलती है चोरी। निकलो ना गलियों में बंठन के गोरी, ऐसी ही बातों से खुलती है चोरी। दुनिया ने रोके अगर तेरे मेरे रास्ते, आऊंगी उड़ के पिया मिलने के वास्ते, मिलने के वास्ते। संग मेरे तू है नहीं मझधार का, किया है वादा मैंने पिया तुझसे प्यार का। जुम्मे की रात हो या दिन जुम्मे रात का, करके जाना गोरी वादा मुलाकात का। पीर की रात और दिन इतवार का, किया है वादा मैंने पिया तुझसे प्यार का। कोई मुझे जंगली कहे, अरे कहने को, अरे तुम यहां, मेरा मतलब है तुम तो चली गई थी, अब फिर भी यहां। मैं तो चली गई थी, वो मुझे वापस ले आए। वो कहां है वो? मैं यहां हूं राज, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। राज, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा, या तुम यहां रहोगे या मैं। बच्चे, बरसों की दोस्ती एक मिनट में खत्म कर देगा। मालूम है हम कितने बरसों से एक साथ रह रहे हैं? तुम्हें मालूम है कि मेरा कैरेक्टर भी बरसों से मेरे साथ है। मैं फिल्म लाइन में काम करता हूँ, मजा लें कि मेरी नजर किसी पर उड़ जाए या किसी की उंगली मुझ पर, लेकिन आज तुम देख रहे हो सबकी उंगलियां मुझ पर उठ रही है। चीखें तो उठ रही है बंसी बाबू। हमारे घरों में बहने रहती है, बेटियां रहती है, सुहागने रहती है, कुंवरियां रहती है, कोई जगह नहीं सिर्फ पहले में। अब बताओ एक जोरदार जबान से दोस्तों। राज छोड़ दो इसे, किस किस के मुंह लगोगे? मान के बंसी बाबू, जो कहते हो करके दिखाते हो। चुप रहो शंकर राव, दो दोस्तों के बीच में मत आओ। मैं ये तुमसे कहता हूँ राज, ये लड़की रहेगी या मैं रहूंगा। बंसी बंसी जरा समझने की कोशिश करो, अकेली जान है, जाने की मुसीबतों से उलझी हुई यहाँ आई है, और फिर पता भी तो नहीं ना कौन है कहाँ से आई है। चंदी दिनों की तो बात है बंसी, मालूम होते ही इसे भिजवा देंगे, तब तक के लिए इसे यहाँ रहने दो। जी नहीं, अगर ये लड़की यहाँ रही तो मैं चला, तुम जानो और बहने वाले जाने। बंसी बंसी बंसी,
बंसी। बंसी चला गया? चला गया बंसी। मैं करूं भी तो क्या करूं, तुम भी तो अपने बारे में कुछ नहीं बताती, तुम्हारा घर ठिकाना, माँ बाप बहन भाई। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, और अगर कोई है तो वो हो तुम, सिर्फ तुम। रेखा, बंसी, बंद हो सकता, मैंने सब सोच लिया। क्या सोच लिया? किस किस को जवाब दोगे, क्या कहोगे, कौन हूं मैं? रेखा, तो मैं ये भी नहीं जानना चाहता तुम कौन, तुम जो हो जैसी हो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। रेखा, शादी? हमारी शादी भी अजीब शादी है, दूल्हा दुल्हन को खुद सजा रहा है। तुमने तो बहुत सी शादियां देखी होंगी, कभी ऐसा देखा है, कभी सुना है ऐसा? मैं औरों से ज्यादा खुश नसीब हूं। मैं किसी रियासत का राजकुमार होता ना, तो तुम्हें हीरो से सजाता, नीलम और लाल तुम्हारे गहनों में चढ़ जाते। और क्या करूं, मैं तो सिर्फ नाम का ही राजकुमार हूं, अपनी दुल्हन को कांच की चूड़ियां ही पहना सकता हूं। तुम्हारे दिए हुए इस कांच के सामने हीरे भी हैं। अनाथों की शादी होती ऐसे है रेखा, देखो ना, एक शनाई वाला जो मेरी तरह टूटा फूटा, एक भूखा ब्राह्मण जो ब्याह पर देगा, न घोड़े पे बैठा हुआ दूल्हा, न डोली में सजी हुई दुल्हन, नाचते गाते बाराती, न दुल्हन से लिपट के रोने वाले उसके भाई बहन माँ बाप, न फूलों से सजी हुई सेज, न झंडिया, न मिठाई, न बैंड, न बाजा, न यज्ञ, न मंत्र, न कन्यादान। और फिर कन्यादान करे भी तो कौन? कन्यादान मैं करूंगा, अभी हम जिंदा है। रहा सिद्धा, और जरा नीचे तो देखो, लड़के मंडप में से जा रहे हैं, आकर देखो तो सही, उठो तो सही। अरे रेखा, रेखा देखो, देखा, अभी अनाथों की शादी नहीं हुई। अरे भैया, बिना मिठाई के भी कहीं पिया बाबा है, ये लड़ी मिठाई। अरे लड़की वाले तो हम बन गए, मगर लड़के वाला कौन बनेगा? अजी मैं बताती हूँ, लड़की वाले हम बन गए, लड़के वाले ये। हाँ, अरे ये तो सब ठीक है, हाँ। मगर कोई घोड़ी का, डोली का, बैंड का तो बंदोबस्त करो।
सीन था तो हमारे प्रोड्यूसर ने ये बैंड बुलवाया। तो मैंने आस्ते से डायरेक्टर से कहा कि मेरे दोस्त की शादी है, मैं ये बैंड ले जाओ। तो मेरे डायरेक्टर ने कहा बैंड ले जा, शूटिंग कैंसिल। कितना अच्छा डायरेक्टर है। रेडी सकाराम सुकाराम। देखा रे छोटे छोटे घरों में कितने बड़े बड़े लोग रहते। दरवाजा नहीं खुला, सारा दिन गुजरा दरवाजा नहीं खुला, अब दूसरी रात गुजरने को आई है। भगवान अपना जमाना भूल गई हो? अजी हटो, शर्म नहीं आती तुम्हें बेटी के सामने ऐसी बातें करती हुए? ले बेटी चाल। राजकुमार अभी तक सो रहा है, उसे जगा दे, सारा मोहल्ला नीचे इंतजार कर रहा है। अच्छा चलो अभी चल। मशहूर रेडियो सिंगर राजकुमार एक गीत सुनाएंगे। रेडियो बंद हो गया। क्यों? पहले चाय पी लो फिर गाना। ये हुई ना बात रेखा, सवेरे सवेरे आदमी को जो सबसे पहली चीज चाहिए वो है चाय। तो फिर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब सुबह नहीं रात है। रात है तो मुझे इतनी जल्दी क्यों उठाया? अरे कल वाली रात नहीं, आज की रात है। रात से रात आ गई तो बीच का दिन कहाँ गया? समझा, दिन छुप गया तुम्हारी जुल्फों की घनेरी छाव में, सो गया मेरी तरह। जी ज्यादा मैं भी सो जाऊ। अब नहीं, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं ना हमारा। इंतजार? क्यों? आज नाच गाने का प्रोग्राम बनाया था ना हमारी शादी की खुशी में। बिल्कुल याद नहीं। और ये भी याद है कि नहीं कि हमारी शादी हुई है? हमारी शादी कब हुई थी? जब ये फूल मुरझाए नहीं थे। ये फूल? अब इन फूलों की किसे परवाह है? दुनिया भर की बहारें जो सिमट आई हैं इन बाहों में। बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन। मैं तेरा हूँ दूल्हा तू मेरी दुल्हन। बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन। बैठे हम तेरी जुल्फों की छांव में। दुनिया ने जंजीर तो डाली थी पांव में, आ ही बैठे हम तेरी जुल्फों की छांव में। ये होना था हो के रहा ये मिलन,
बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, मैं तेरा हूँ दूल्हा तू मेरी दुल्हन, तू मेरा है दूल्हा मैं तेरी दुल्हन। बेताब थी नजारे के लिए, मेरा दिल बेचैन था सहारे के लिए, ये नजरें बेताब थी नजारे के लिए, मोहब्बत ने आखिर उठा दी जीवन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, मैं तेरा हूँ दूल्हा तू मेरी दुल्हन, तू मेरा है दूल्हा मैं तेरी दुल्हन। चांदनी को सेहरा बांध के, मैं डोली में बैठ के घर आई चांद के, मैं लाया हूँ चांदनी को सेहरा बांध के, ना चोरी ही की है ना किया है भवन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, मैं तेरा हूँ दूल्हा तू मेरी दुल्हन, तू मेरा है दूल्हा मैं तेरी दुल्हन, मैं तेरा हूँ दूल्हा तू मेरी दुल्हन, तू मेरा है दूल्हा मैं तेरी दुल्हन। स्वर, ये किसने बनाया? मैंने। तुमने? तो मैं इसका मतलब नहीं समझा। मैं ये ऐलान करना चाहती हूँ कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, इस शहर में, इस चाल में, इस कमरे में। तो फिर ये ऐलान कमरे में नहीं बाहर लगाया जाएगा। मैं दुनिया में ऐलान करना चाहता हूँ, इस चाल में पहले सिर्फ एक खोली थी, एक देवी ने आकर उसे स्वर्ग बना दिया। भाभी, बंसी भैया तुम बहुत दिनों के बाद आए हो, आज हम लोगों की याद कैसे आई? रेखा, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, एक तुम हो और दूसरा मेरा राज। सोचा आज दिवाली का दिन है, चलो भाभी के हाथ की कचौरियां खाएं। राज किधर है? राज बाहर गए हैं, कह रहे थे 7 बजे तक लौट आएंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चाय? अरे रे, ये खटके में मेरे भी पैसे लगे हैं, कोई बात नहीं। अरे, हमारे घर में स्टोवी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। हे भाभी, खुश हो ना, आजकल झगड़ा वड़ा तो नहीं होता ना, इसीलिए तो राज तुम्हारे नाम के गुण गाया करता है। कैथा रेखा मेरी होठों की मुस्कुराहट है, मेरी सांसों की महक है। रहने दो भैया, ये सब उन्हीं की बदौलत है, वरना मुझ में क्या रखा है। नहीं भाभी, ये सच है, अब तो वो तुमसे एक पल भी अलग नहीं रह सकता। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। आज हमारी पहली दिवाली है, सोच रही थी उन्हें कोई भेंट दूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या दूं। मैं बताऊं? देखो, एक रेडीमेड सूट है और बहुत दिनों से उस पर मेरी नजर है। ये देखो, वो सूट है ना, राज को भी फिट होता है ना, मुझे भी फिट होता है। ये उसकी दुकान का एड्रेस है। ये अच्छा रहा। अच्छा रहा ना? हाँ। तुम एक काम करो, शाम को ये सूट तुम खरीद कर ले आओ। हाँ। और मैं चांदी के रुपए ले आता हूँ। जानती हो आज शाम को हमारे घर में क्या है? पूजा है, लक्ष्मी पूजा। चाय बनाना जल्दी से। हाँ।
रहा। चंदा 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 क्या हुआ क्या हुआ? कोई लड़की बस नहीं जा। जी नहीं, मैं एक्सीडेंट नहीं देख सकता। बच जाएगी क्या? बंसी, 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 तू कब आ रहे? अरे यार, दो घंटे से बोर हो रहा हूँ। हाँ, ये माथे पे क्या लगा रखा है तू? माथे? ये तो चांदी है, चांदी। आपको पता नहीं आज दिवाली है, दिवाली में चांदी की पूजा होती है। अरे हाँ, रेखा कहाँ है? ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया, जरा बाहर भेजा है, अभी आती होगी। डॉक्टर, ये मेरी एक ही औलाद है, इसकी जिंदगी आपके हाथों में, किसी भी कीमत पर आप इसकी जान बचाइए। घबराइए मत, इन्हें ज्यादा चोट नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन ये होश में कब आएगी? मैंने अभी अभी एक और इंजेक्शन दिया है, ये जल्दी ही होश में आ जाएगी। क्यों बुलाया है? बारात आने को अभी तक कोई इंतजाम हुआ नहीं, क्या बात है? पहले अपनी लड़की को समझाइए। क्या समझाऊं इसको? वो शादी करने से इनकार करती है। क्या? चंदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं कुंवर सर्वजीत सिंह से शादी नहीं करूंगी। क्या? मैंने उन्हें उदयपुर में देखा है। बस शक्ल है वो? जी नहीं, बहुत खूबसूरत है। गरीब है? जी नहीं, बहुत अमीर है। तो फिर क्या है? मैंने वो महल देखे हैं जिनमें वो रहते हैं, मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनके साथ वो रहते हैं। लोगों से तुम्हारा मतलब? ये न पूछे पिताजी। जो मैं पूछूं उसका जवाब दो। वो एक नाचने गाने वाली के साथ नशे में चूर, इसके बाद भी नजारा मुझसे देखा न गया, उनकी बातें मुझसे सुनी न गई। बस मैं समझो कि बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारी खामोशी है चंदा। ये आपकी सरासर ज्यादती है पिताजी। क्या कहा? ठाकुर साहब, आप चंदा को मजबूर नहीं कर सकते, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। रंजीत, तुम हमारे मां में दखल देने वाले कौन हो? लेकिन बाहर जाओ यहां से। चंदा, मेरे पास बहस के लिए वक्त नहीं है। कुंवर साहब का तमाम खानदान दादा के साथ आ रहा है, अपने सारे रिश्तेदार यहाँ आ चुके हैं। अब जरा सोचो, मेरी इज्जत का क्या होगा? लेकिन पिताजी, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये शादी रोक दीजिए, बारात लौटा दीजिए। बारात लौटा दो, बारात लौटा दो। बेवकूफी बात करती है, ये कठपुतलिया खेल है। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, ये कठपुतलियों का खेल नहीं है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जो कुछ भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ, मुझे तेरी अकल की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही तो रोना है, जिसे आप स्वर्ग समझ रहे हैं वो मेरे लिए नर्क है। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये शादी नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। मैं अपनी चाहते दूंगी मगर ये शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं होगी बेटा, हरगिज नहीं होने की। शादी बारात लौटा दीजिए पिताजी, बारात लौटा दीजिए, बारात लौटा दीजिए पिताजी, लौटा दीजिए बारात। बारात तो कब की लौट गई, अभी शादी नहीं होने की, हरगिज नहीं होने की। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा पिताजी। वो
शहनाइयां जो अभी भी बज रही थी। शहनाई वो तो बंद हो गई। अब मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। पिताजी आप कितने अच्छे हैं। पिताजी क्या हो रहा है? क्या बात है? ये हमारे मकान तो नहीं है? नहीं अस्पताल है। अस्पताल? हाँ देखिए वो दूर तक फैला हुआ पानी। बेटी ये समुद्र है। समुद्र जयपुर में? नहीं ये बॉम्बे है। हम यहाँ कब से हैं? 3 महीने से। ऐसा मुझे क्या हो गया था? बेटा तुम्हें चोट लग गई थी और तुम बेहोश हो गई थी। पिताजी आपने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं बेहोश हो गई और मुझे बॉम्बे लाना पड़ा। बंसी हाँ आता यार ये स्वर्ग कैसे लगता है? अरे ये तो स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। स्वर्ग ही तो लिखा है बंसी। समझा तो आपकी बात से ये पता चलता है कि आपकी लड़की जयपुर में बेहोश हुई और होश में आई बॉम्बे में। यानी कि वहां सोई यहां जागी। लेकिन वो जो उसने 3 महीने बाहर गुजारे? समझ लीजिए कि वो 3 महीने तक सोती रही। वो एक सपना था जो उसने देखा और जागने के बाद भूल गई। मेरी राय मानिए तो उसे ये पूछने की कोशिश भी ना करे कि वो 3 महीने उसने कहां गुजारे कैसे गुजारे। हो सकता है कि याद पूरी चली जाए। दिमाग बिल्कुल जवाब दे बैठे और आप अपनी लड़की को पाकर भी खो बैठे सारी उम्र के लिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे घर ले चलिए माँ के पास। अच्छा बेटा तुम आराम करो मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ। तुम आराम करो। हाँ बेटा माँ का दिल है ना इन्हें 3 दिन भी 3 महीने लगे। जा बेटा तुम आराम करो। तुमने तो गजब कर दिया। चंदा को बता दे को 3 महीने बाद आई है। इस बात का ख्याल है चंदा को कहीं पता नहीं चलना चाहिए कि वो 3 महीने बाहर रही है। समझी? अस्पताल पुलिस स्टेशन कहीं उसका पता नहीं चला। यहां तक कि मैंने अपने स्टूडियो में लोगों से कहा वो लोग भी मेरे साथ आके ढूंढने लगे। 25 आदमी ढूंढ रहे थे लेकिन रेखा का पता ही नहीं चला। क्या होगा बंसी? राज वो जैसी आई थी वैसी ही चली गई। अरे राज तुम अपनी हालत तो देखो क्या हालत बना रखी है। भगवान के लिए उसे भूल जाओ राज। भूल जाऊं बंसी? हाँ अपनी बीवी को भूल जाऊं अपनी जिंदगी को जबकि मुझे यह भी नहीं मालूम कि वो किस हाल में कहां है। वो जिंदा है या बंसी भगवान के लिए बंसी उसे ढूंढो नहीं तो इस अंधेरे में मेरा दम घुट जाएगा। देखना निशाना कहीं चूक न जाए। अजीब वो निशाना ही क्या जो चूक जाए।
कल तक उसे वहां लटका हुआ ना देखो तो मेरा नाम चंदा नहीं। अभी तक तो दूरी है सरकार, जब सामना होगा तो जान निकल जाएगी। सोच लो चंदा, मेन हिटर है वो, अब तक मैं जाने कितनी जाने ले चुका है। तो लगी शर्त? लगी। राज, 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 अरे यार कमाल हो गया, हमारे रेडियो स्टेशन पे एक कॉमिक प्ले हो रहा, अगर तुम सुनोगे ना तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। वो लोगों ने तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने कहा राज तो 100 रुपए लेगा और मैं भी 100 रुपए लूंगा, क्यों उन्नति की बात है ना, और वो लोग मान भी गए। चलो चल। नहीं बंसी, मुझसे नहीं होगा बंसी। राज कैसी बातें करते हो, देखो एक मरतबा अगर तुम रिहर्सल कर लोगे ना तुम्हारी तबीयत धड़क उठेगी और वो 100 रुपए जो मुझे मिलेंगे ना वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, और जो तुम्हारे जी में आए वो खरीद लेना। अभी तो मानते हो ना। चल मुझसे होगा नहीं बंसी। राज आखिर मैं अकेला इस घर को कब तक चलाऊं? बंसी अगर यही बात है बंसी तो फिर मैं चला जाता हूं बंसी। राज अपने बंसी को छोड़कर चले जाओगे? राज तुम भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करते हो। अरे ये बंसी इतना गया गुजरा नहीं है, तुझे उम्र भर बिठा के खिला सकता है। ये माफ कर दो बंसी, जब से रेखा खोई है मैं अपने होश और हवास खो बैठा हूं। अरे जालिम इसीलिए तो मैं हजारों तरीके निकाल रहा हूं कि तुझे इस चार दीवारी से बाहर ले जाऊं ताकि रेखा की तस्वीर तेरी आंखों से दूर हो जाए। तेरी यह हालत देखते हुए मेरे सीने में आग चलता। राज परसों गुजर गए, इस चेहरे पे मुस्कुराहट देख, ये बात हुई ना, ये बात हुई ना राज, ये बात हुई ना। चलो 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 चलो। नमस्ते माधुर साहब। जी तेरा। अबे रंजीत तुम्हारी बहुत बड़ी उम्र होगी, अभी अभी तुम्हारे जिक्र हो रहा था। घर में सब कैसे? जी सब अच्छे। और शिकार विकार क्या हाल है? शिकार तो होता ही रहता है, पिछले दिनों एक 12 सिंगा मारा था। बहुत खूब। से बहुत खूब क्या? हमारी बेटी चंदा ने शेर मारा। शेर? हाँ, और वो भी बहुत खतरनाक, 3-4 जाने ले चुका था। अभी तुम्हें यकीन नहीं आता, तुम जाकर उससे पूछो, उसी कमरे में उसकी खाल भी लटकी हुई है। अभी जाके पूछता हूँ चाचा जी। जाओ। अच्छा ठाकुर साहब, अब अपने शेर को बचिए, गीदड़ की मौत मारा जाने वाला है। है? ये शय और मात। राज, राज, पहचानो, पहचानो ये कौन? ये तो रेखा है। चंदा है चंदा, ये जागीरदार की लड़की है। देखो उसने शेर मारा, दिखता भी है वो कि बड़ा खतरनाक शेर था। नहीं बंसी, ये रेखा है, रेखा बिल्कुल वही है। देखो ना, वही भोली सूरत, खोई खोई आंखें। ये क्या माजरा है बंसी? माजरा मैं बताता हूं। एक रईस की लड़की घर से भागी, एक गरीब आदमी ने उसके पांव के नीचे अपना दिल बिछा दिया। उस दिल से खेलते रही, जब उब गई छोड़कर चले गई दूसरा शिकार करने। नहीं नहीं बंसी, रेखा ऐसी नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, इसमें जरूर कोई बात है। सीधी सीधी बात है, वो जागीरदार की लड़की और तुम गरीब आदमी। बंसी बंसी मैं जयपुर जाऊंगा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, जयपुर के अगले पत्ते में शेर के बजाय तुम्हारी तस्वीर आएगी और उसके नीचे लिखा होगा कि चंदा कुमारी का नया शिकार। बंसी राज तुम बड़े भोले हो बंसी, तुम्हें नहीं मालूम रेखा मुझे देखते ही पागल हो उठेगी, सीने से लगा लेगी मुझे और कहेगी राज अब तक कहां थे तुम, कहां खो गए थे। मैं सीधी बात भी नहीं करूंगा, और फिर जानते हो क्या होगा? क्या होगा? वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मुझसे माफी मांगेगी, मुझे सब कुछ बता देगी। तुम भी बड़े बुद्धू हो यार, मैं पूछता हूं अगर ऐसा ही था तो वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई, अगर चली भी गई तो अब तक उसे तुम्हारी याद क्यों नहीं आई? बंसी इसमें जरूर कोई भेद है, यही जानने के लिए तो मैं जा रहा हूं, जरूर कोई मुश्किल उसके रास्ते में आन पड़ी, भगवान करे ऐसा ही हो। दोस्त तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं मेरी भी खुशी है, लेकिन यार ये बात अपनी खोपड़ी में बैठता नहीं बराबर कि वो जागीरदार की लड़की और ये महाशय कुछ। बंसी जब मैं उसे साथ लेकर वापस आऊंगा ना तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा मैं जाता हूं। अच्छा जाओ। ए,
बस इतने कपड़ों में जाओगे? कपड़े ना हो तो कहां से लाऊं? अरे इस फटीचर हालत में वहां जाओगे तो लोग हंसेंगे, कहेंगे लो जागीरदार साहब का दामाद आया। जब शादी की थी ना बंसी, तो लॉन्ड्री वाले से एक दिन के लिए सूट मांग कर ले आया था, लेकिन बेचारा इतने दिनों के लिए कहां से देगा। ये भी ठीक है यार। राज एक आइडिया आया, फिल्म कंपनी में कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है ना, उसका जो हेड है ना वो अपना दोस्त है, मैं तेरे लिए दो चार सूट ले आता हूँ, क्या ख्याल है? यार बंसी तू ना हो तो मैं क्या करूँ? ऐसी बातें मत क्या कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। चल मैं तुझे रास्ते में दिला दूँ, आ जा। का नाम राजकुमार है जी? तो मिस्टर राज, मेरा ख्याल है कि आप गाना छोड़कर कहानियां लिखना शुरू कर दीजिए। मुझे यकीन है कि एक दिन आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत खूब लिखते हैं आप। कहानियां भी तो हकीकत ही से बनती है, अगर ये कहानी है तो ये सच्ची है, मुझ पे गुजरी है, मुझ पे बीती है सर। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है मिस्टर राज? ये बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं स्टेशन डायरेक्टर साहब, मेरी तो इससे शादी भी हुई है बंबई में। बंबई में? जी हाँ। लेकिन मिस्टर राज, वो लड़की तो कभी बंबई गई नहीं। शायद आपको मालूम नहीं कि जिस लड़की के बारे में इस चिट्ठी में लिखा है, न सिर्फ मैं उसे ही जानता हूँ बल्कि उसके सारे खानदान से वाकिफ हूँ। उसके पिता मेरे गहरे दोस्तों में से हैं, सुबह शाम बैठना उठना है मेरा उनके साथ। मिस्टर राज, आपको यह सुनकर हैरत होगी कि उस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई है। जैसे आपको मेरी कहानी पर यकीन नहीं आता, आपकी बातें भी मेरी समझ में नहीं आती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ स्टेशन डायरेक्टर साहब, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं एक बार रेखा से मिल सकूं, मैं जिंदगी भर आपके एहसान मानूंगा। मिस्टर राज, मुझे पूरा यकीन है कि चिंता वो लड़की नहीं जिसकी आपको तलाश है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं उसका एड्रेस दे देता हूँ। जाकर वो महल देखिए जिसमें वो रहती है, फिर आपको खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। Here you are. शुक्रिया। मिस्टर राज, बंबई वापस जाने से पहले मुझसे जरूर मिलकर जाइएगा। जी जरूर। थैंक यू सर। रेखा, रेखा, अब आओ राजकुमार, कहो देखा है ठाकुर साहब की हवेली? हवेली भी और बेटी भी, चंदा और रेखा में कोई फर्क नहीं, और रेखा मेरी बीवी है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, दो चेहरे एक जैसे हो सकते हैं, आंखें धोखा खा सकती हैं। इससे पहले कि जागीरदार साहब को पता चल जाए और वो तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए, मेरी राय है कि तुम फौरन बंबई वापस चले जाओ। मैं रेखा के बगैर बंबई वापस नहीं जाऊंगा। मिस्टर राज, इतना सोच लो, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। आग तो कब की लग चुकी है, अब तो सिर्फ चलना ही चलना है। मिस्टर राज, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, मैं तुम्हारा शक दूर करने के लिए एक मौका दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने
तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। जफा की हमने अदा ही समझी, तुझसे कोई भूल हुई तो अपनी खता ही समझी। सामने तेरे यूं हंस हंस के, सामने तेरे यूं हंस हंस के लुटते रहे हम इतना, कौन लुटेगा इतना, कौन लुटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा। तेरी अदा के भोलेपन पे, तेरी अदा के भोलेपन पे मिटते रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना, कौन मिटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। बहुत अच्छा गाते हैं, कितना दर्द है आपकी आवाज में। ऐसे लगता है जैसे कि पहले भी कभी सुना हो। जी नहीं, अजीब बात है, जब कभी अच्छा सा गीत सुनती हूँ तो यूं लगता है जैसे पहले भी कभी सुना हो। अच्छा, तो ये गीत तुम्हें भी बहुत पसंद आया। बधाई हो चाचा। अगर आप ऐसे कलाकार हमेशा पेश करें तो सारा हिंदुस्तान सिर्फ जयपुर रेडियो ही सुना करे। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते सुनिए, तुमने वचन दिया था कि खून के घूंट पी लोगे, इतने पी चुका हूं माथुर साहब क्या बर्दाश्त नहीं होता। जब दिल के घाव खुल जाए तो होंठ कैसे सिले रहे। मैं रेखा की चौखट पर जाकर सर फोड़ फोड़ कर मर जाऊंगा माथुर साहब। उसने मुझे तो नहीं पहचाना, शायद मेरी लाश को पहचान ले। मिस्टर राज, किससे मिलना आपको बाबूजी? रेखा से। रेखा देवी? मतलब चंदा जी से। लेकिन वो तो कुल्लू चली गई। कुल्लू चली गई? जी हाँ। क्यों? घूमने, अपनी सहेलियों और उनके होने वाले पति रंजीत जी के साथ। पति? मेरे राज की चिट्ठी है, मैं आराम से पढ़ूंगा। मेरे प्यारे बंसी, मेरे प्यारी बंसी, मैं मेरी मुलाकात रेखा से हो गई। अरे वाह। लेकिन रेखा ने मुझे पहचाना नहीं।
और फिर एकाएक दूसरे दिन वो लोग कुल्लू चले गए। ओहो, कुल्लू चले गए, और मैंने सोचा कि मैं भी कुल्लू जाऊं, लेकिन मेरे पास जाने के पैसे नहीं थे। आप कहेगा कि मुझे थोड़े पैसे भेज दो, तो मैंने सोचा कि तुमसे थोड़े पैसे मंगा लूं। क्या कहा था? लेकिन भगवान की कृपा से मुझे यहाँ रेडियो में प्रोग्राम मिल गया। थैंक यू, अपने पैसे बच गए। और मैं बस फौरन ये प्रोग्राम खत्म करते ही कुल्लू पहुंचता हूँ। यार मेरा राज कहाँ कहाँ इस लड़की के पीछे भटकेगा, हे भगवान। आओ आओ राजकुमार, कहो पेमेंट मिल गया? जी शुक्रिया, ये प्रोग्राम दिलाकर एक किसान और आपने कर दिया मुझ पर। अब मैं इजाजत चाहूंगा, फिर कभी इस तरफ आया तो जरूर आपसे मिलूंगा। तो आज ही बंबई जा रहे हो? जी मैं बंबई नहीं जा रहा, मैं कुल्लू जा रहा हूँ। कुल्लू? जी हाँ। वो किस लिए? रेखा जो है वहां पर। नमस्ते मिस्टर राज। हेलो, गिव मी 235। हेलो ठाकुर कर्ण सिंह। आहा साहब, कैसे मिजाज है? ठीक है, मुंबई से एक नौजवान आया है, उसको कहना है कि मुंबई में उसकी शादी चंदा से हुई। क्या? लेकिन वो अब उसके पीछे कुल्लू जा रहा है। उसकी ये मजार? तो साहब आज तो बात सिर्फ आपसे हुई है, कल सारे जयपुर में होगी। नहीं मैं आज ही कुल्लू जा रहा हूँ। शुक्रिया।
इंटरव्यू थोड़ी देर हुई? अजीब बात है, न कोई चिट्ठी न तार। जरूरत क्या थी, अचानक प्रोग्राम बना चले आए? किसी काम से? नहीं, कोई खास नहीं। यहाँ कोई राजकुमार नाम का आदमी रहता है? जी मुझे ही राजकुमार कहते हैं। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, क्या एक बार बंद हो सकते हैं? आप तशरीफ रखिए, मैं बंद करता हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जी नहीं। मेरा नाम ठाकुर करण सिंह, मैं यहाँ का जागीरदार हूँ और तमाम शहर मेरी इज्जत करता है। मैं एक बेटे का बाप भी हूं जो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। आप रेखा के पिताजी हैं? रेखा नहीं, चंदा। और तुम भूल रहे हो बेटी किसकी है? जिसे आप चंदा कह रहे हैं वो रेखा है, आप भी भूल रहे हैं कि वो बीवी किसकी है। ये सब झूठ है, ये तुमने कहानी गढ़ी है। ये लो अपने कहानी के पैसे और चले जाए यहां से। मेरा और आपका रिश्ता ऐसा है कि मुझे झुककर आपके चरण छूने चाहिए, मगर आपने रुपया बढ़ाकर अपना दर्जा घटा लिया। मुझे रुपया नहीं, रेखा चाहिए। उससे मेरा विवाह हो चुका है। कहाँ? बंबई में। कब? 3 महीने पहले। वो जगह मौजूद है जहां हमारी शादी हुई थी, वो लोग मौजूद हैं। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, आप चाहे तो अपनी बेटी से पूछ सकते हैं। मैं उससे पूछ को, वो तुम्हारे नाम के किसी आदमी को नहीं जानती, वो तुमसे कभी नहीं मिली। क्या एक बार मैं रेखा से मिल सकता हूं? क्यों? एक मिनट के लिए आप ये भूल जाइए कि आप एक जागीरदार हैं और सारा शहर आपकी इज्जत करता है। आप ये भी भूल जाइए कि आप एक बेटी के बाप हैं। एक मिनट के लिए यही मान लीजिए कि आप एक मामूली आदमी हैं और बंबई में एक मामूली सी चाल में रहते हैं। रोटी कमाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में आपको एक लड़की मिलती है, अकेली बेसहारा। आप उसे जगा देते हैं, खुद भूखों रहते हैं, उसे खिलाते हैं, उसे कमरे में सुला देते हैं, खुद बरामदे में पड़े रहते हैं। लोगों की उंगलियां आप पर उठती हैं, मोहल्ले की भपकियां आप सुनते हैं, और एक दिन वो चली जाती है आत्महत्या करने के लिए। आप उसे बचाते हैं, वो आपसे प्यार जताती है, आप उससे शादी कर लेते हैं, आप उसे घर की लक्ष्मी मानने लगते हैं। दिवाली की रात आने के बजाय लक्ष्मी चली जाती, गुम हो जाती, जिस्म रह जाता है, जान निकल जाती। और जब जान ढूंढने के लिए आप आते हैं तो लोग आपके सामने नोटों के बंडल रख देते हैं। जान की कीमत रुपया नहीं जागीरदार साहब, अब आप चाहें तो पिस्तौल मेरी छाती पर तान सकते हैं। तुम एक बार चंदा से मिल सकते हो, लेकिन एक शर्त है। चंदा का फैसला आखिरी फैसला होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। अगर उसने मुझसे ये कह दिया कि उसकी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी है, तो मैं खुद उसका डोला लेकर तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। और अगर उसने ये कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मैं वादा करता हूं जागीरदार साहब, मैं चंदा की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर कभी उसका नाम अपनी जबान पर नहीं लाऊंगा। आप बॉम्बे स्टेशन से ही गाते हैं? मुझे कभी कभी जयपुर स्टेशन से भी गाना पड़ता है। और आप बॉम्बे में रहते कहाँ हैं? जी बॉम्बे में, बंबई के एक चाल में रहता हूं। चाल में 20 कमरे, उसमें से एक कमरा मेरा है। पहले मैं अपने दोस्त के साथ रहता था, बीच में एक लड़की आ गई। लड़की? जी हाँ, इतना बड़ा खौफनाक शहर और फिर वो अकेली बेबस बेसहारा। मैंने उसे जगह दी अपने घर में, अपने दिल में। वो जानती है उसने क्या किया? क्या किया? मुझसे शादी की, दुनिया भर का प्यार जताया। और फिर दिवाली की रात जब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, वो उस रोशनी में खो गई, कहीं चली गई, मेरी दुनिया को अंधेरों में डुबोकर। आपने उसे ढूंढा नहीं? बहुत ढूंढा, मिली भी,
लेकिन अब तुम मिलकर भी नहीं पहचानती। एक पत्नी अपने पति को न पहचाने, ये कैसे हो सकता है? कहाँ है वो? यही। यहाँ? जी हाँ, इसी घर में। इस घर में? मेरी आंखों के सामने। तुमने अभी मुझे नहीं पहचाना रेखा, तो फिर कह दो वो सब झूठ था। वो शहनाइयां तुम्हारे हाथों की मेहंदी, तुम्हारे माथे पे टीके। रेखा तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी हो। रेखा तुम मेरी पत्नी हो। डैडी, आप भी नहीं जाने कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हैं। था वो प्यार तेरा, मैं लौटा रहा हूँ। अब कोई तुझको शिकवा न होगा, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा, मैं लौटा रहा हूँ। को खबर भी होने नहीं दी, किस मोड़ पर लाके दिल तूने तोड़ा। हमको खबर भी होने नहीं दी, किस मोड़ पर लाके दिल तूने तोड़ा। अपना बनाना रहा दूर तूने, हो जाए ऐसा न छोड़ा। औरों के हो जाए ऐसा न छोड़ा, तेरी जफा का चर्चा ही कैसा। अपनी वफा पे मैं शर्मा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा, मैं लौटा रहा हूँ। पीछे ना अब कोई आएगा तेरे, अब कोई तुझको ना आवाज देगा। पीछे ना अब कोई आएगा तेरे, अब कोई तुझको ना आवाज देगा। मुड़कर किसे देखता है मेरे दिल, तेरा कौन है तुझे रोक लेगा। तेरा कौन है जो तुझे रोक लेगा। उनको मुबारक जमाने की खुशियाँ, मिटना है मुझको मिटा जा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था
वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ, अब कोई तुझको शिकवा न होगा, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। मेरे लिए पार्सल भेजा है। अरे वाह वाह वाह। देखो इसमें से मैं कोई चीज आप लोगों को नहीं दूंगा। अरे भाई तू ही लेना, मुझे नहीं चाहिए। देखो पसंद है सूट है जो मैंने भेजा था। चिट्ठी पकड़ना। अरे पर तो सही मेरे प्यारे बंसी। फिर वही बात है, देखते ही देखते कुछ, देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। तुमने ठीक ही सोचा था, वो मुझ गरीब की रेखा कोई और थी, ये तो जागीरदार की बेटी चंदा है। हा? किसी भी तरह मुझे भूल जाना, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना। बंसी मेरा क्या है, जिया न जिया सूट भेज रहा हूं, वापस कर देना। शंकर राव को और अमीर खान को मेरा नमस्ते कहना। मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना बंसी। अरे तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा राज बंसी। मेरा राज राज बंसी। अरे बंसी बताया। और आपने मान लिया, लेकिन मैं पूछती हूँ ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? हो भी सकता है। तो आप जानते हैं और मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे अंधेरे में रखा, मुझे जानबूझकर धोखा दिया, यही ना? धोखा तो हमारी किस्मत ने दिया बेटी। तुम्हारी याददाश्त खो गई थी। याददाश्त? फिर क्या हुआ? तुम खो गई थी,
इसके दरमियान क्या हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम 3 महीने बंबई रही। लेकिन आपने तो कहा था मैं सिर्फ 3 दिन वहां थी। और कहता भी क्या, एक जवान लड़की 3 महीने घर से बाहर रहे, कुछ सुने तो क्या कहे, कुछ सोचे तो क्या समझे। और जो मेरे साथ हुआ, कोई सुने तो क्या कहे, कोई सोचे तो डूब मरे। आज मुझे साफ साफ दिख रहा है वो रेडियो सिंगर ठीक कह रहा था, और मैंने उसे जलील करके घर से निकाल दिया। डैडी, डैडी हमें आज ही बॉम्बे जाना होगा। सर, मैं चंदा को बॉम्बे ले जाने के लिए फौरन तैयार हूँ, लेकिन मैं वहां जाकर राजकुमार को ढूंढूंगा कहाँ। ठाकुर साहब, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक चिट्ठी दे देता हूँ, वहां से राजकुमार का पता आसानी से लग जाएगा। शुक्रिया। अरे रेखा बिटिया, आवा आवा। अरे बिटिया, तू कहाँ गई कि सारी चाल अंधेर हो गई। अरे बिटिया, बिल्कुल सन्नाटा छाएगा। बेटा ये बुरा की है तू, तू का छोड़ के चली गई तो तुका सहारा दिया। अरे तुम्हार जान बचा है। जान बचाई? तुम गई हो, किसी ने कल्लू काल नहीं गया। कल्लू कवाल, कहते हैं कल्लू कवाल, कल्लू कवाल के तेरा मेरा, तेरा मेरा साथ रहेगा। कहाँ चली गई थी? जिस धूमधाम से तेरी और राज की शादी हुई, वैसी तो आज तक यहाँ कोई शादी ही नहीं हुई। शादी? लेने आई हो यहां? सभी कुछ तो मिट चुका है, अब क्या बाकी रह गया है? हमें मुंह दिखाते तुझे लाज ना है? इस घर में कदम रखते तुम्हारे पांव ना डगमगाए? जाओ, मैं कहता हूं चली जाओ यहां से, जाओ अपने महलों में। वो कहां है? वो कौन? राजकुमार? बड़ा ख्याल है उसका, बड़ी जल्दी खबर लेने आई हो। भगवान के लिए बताइए वो कहां है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। बताऊं वो कहां है? दीवानगी की हालत में वो कहां चला गया ये तो मैं भी नहीं जानता, भगवान ही जानता है। ये जानकर मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी कि वो अब तक जिंदा है। ऐसा
पर एक एहसान कर सकते हैं। क्या चाहती हो? मुझे यहीं रहने दीजिए। यहाँ? लेकिन बेटा तुम यहाँ कैसे रहोगे? घर चलो, वहां चलकर हम पुलिस को खबर कर देंगे, अखबार में छपवा देंगे, रेडियो पर अनाउंस करवा देंगे, जहां भी कहीं होगा पता चल जाएगा। नहीं डैडी, एक ब्याही लड़की का घर उसके पति का घर होता है। अब यही मेरा महल है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है। मैं यही उनका इंतजार करूंगी और मेरा मन कहता है एक ना एक दिन वो जरूर आएंगे। समीर, आप ये कमरा इनको दे दीजिए, आपको मुंह मांगे पैसे मिल जाएंगे। जागीरदार साहब, हम दौलत से गरीब जरूर हैं मगर दिल से नहीं। अगर ये आपकी बेटी है तो मैं भी इसका धर्म का पिता हूं। बेटी, आज से ये घर तुम्हारा ही, तुम यही हो। हमारी शादी भी अजीब शादी, दूल्हा दुल्हन को खुद सजा रहा है। तुमने तो बहुत सी शादियां देखी होंगी, कभी ऐसा देखा है, कभी सुना है ऐसा? मैं औरों से ज्यादा खुशनसीब हूं। मैं किसी रियासत का राजकुमार होता ना तो तुम्हें हीरो से सजाता। मैंने झूठ नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं? और कहने को रहा ही क्या, सूरत भोली हुई तो क्या, दिल तो काला है। तुमने अभी मुझे नहीं पहचाना रेखा, तो फिर कह दो वो सब झूठ था। वो शहनाइयां तुम्हारे हाथों की मेहंदी तुम्हारे माथे पे टीके। रेखा तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी हो, रेखा तुम मेरी पत्नी हो। क्या कर दिया? आई शाम।